फाइनली वी हैव रीच्ड मैसूर एंट्रेंस और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग बहुत घूम रहे हैं क्योंकि दशहरा मैसूर के अंदर बहुत ग्रैंड बनाते हैं, उस चक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोगों को कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग गया खाली ट्रैफिक क्रॉस करने में मैसूर आते आते। वेलकम बैक, हम लोग मैसूर पहुँच गए, उस कार पार्क किया है, सब कोई अंदर घर पर गए, थोड़ा फ्रेश वेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद सब कोई निकलते हैं और आगे का मैसूर आपको दिखाता हूँ। यहाँ फ्लावर शोज है दशहरा के हिसाब से और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है वो बताता हूँ मैं आगे वीडियो में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मैसूर, बहुत लंबी ड्राइव भी थी, थोड़ा बहुत थक भी गए हैं, मगर हम जा रहे हैं फ्लावर शो देखने के लिए पैलेस के पास। चलो आपको भी लेकर चलता हूं, जो फ्लावर शो है किस हिसाब से उन्होंने बनाया है और सुनने में आया कि बहुत अच्छा इस बार फ्लावर शो रखा है। प्लीज चलिए आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फाइनली हम लोग मैसूर पैलेस एंट्री कर रहे हैं, दिस इज मैसूर पैलेस। हम लोग आए हैं मेरे साले जी के साथ रेवंत वैभवी और वो उनके साले जी के साथ आए हैं। हम लोग फ्लावर शो गए थे मगर डिसअपॉइंट होकर आए हैं, शाम हो गई है तो सारे फ्लावर्स उन्होंने निकाल दिया है, नए फ्लावर्स लगा रहे हैं। होप सो अगर हम कल आएंगे तो आप लोगों को वापस फ्लावर शो दिखाऊंगा। और इधर फोटो गैलरी बनाया हुआ है और यहाँ पर दशहरा के अंदर जो स्टेट्स के अंदर जैसे सेलिब्रेट करते हैं उसके हिसाब से उन्होंने मूर्तियां रखी हुई है। अभी फिलहाल हम लोग आए हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। अगर दशहरा के टाइम मैसूर आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बाई वॉक ही जा सकते हैं, वॉकेबल डिस्टेंस है, मगर थोड़ा भीड़ होने की वजह से थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, थोड़ा थकान महसूस हो जाती है। और ये है एग्जीबिशन का एंट्रेंस। अडल्ट्स के लिए 30 रुपीज टिकट रखा है और चिल्ड्रंस के लिए 20 रुपीज। कुछ लेना है तो आप अंदर से ले सकते हैं, कुछ नहीं लेना है तो बस ऐसे घूमने के लिए आ सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग अंदर जा रहे हैं एग्जीबिशन के अंदर, एग्जीबिशन घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खाने की तलाश में जा रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटीज चल रही है एग्जीबिशन में, जैसे कि इधर साइकिलिंग जैसा कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए, अगर घुमाना है तो आप यहाँ पर आकर घुमा सकते हो। और ये एग्जीबिशन कम से कम और दशहरा के बाद 1 महीने के नियर बाय रहता ही रहता है। यहाँ पर कर्नाटका स्टेट टूरिज्म को प्रमोट करते हुए अंदर जितने भी प्लेसेस है कर्नाटका के अंदर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, उनका इमेजेस डाला हुआ है, तो कोई उस जगह पर गया है या कोई जाने का प्लान कर रहा है तो इन डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिया हुआ है किस जगह से किधर तक आप जा सकते हो, या कुछ और प्लान करना है तो आगे भी आप देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने एग्जीबिशन घूमा है, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, अब हम बाहर जा रहे हैं। दिस इज द एग्जिट गेट, एंट्री गेट भी यही है, लेट्स गो। बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, इसको दड्ड केरे बोलते हैं यहाँ के लोग। पहले ये अर्लियर ये एक पानी स्टोर करने की जगह हुआ करता था, उसके बाद में चेंज कर दिया है और इसको एग्जीबिशन सेंटर बना दिया है और हर साल दशहरा में यहाँ पर ही एग्जीबिशन होता है। ऑलमोस्ट दशहरा फेस्टिवल में ऐसा ही पूरा लाइटनिंग लगाया हुआ रहता है हर जगह, ईच एंड एवरी सर्कल, ईच एंड एवरी चौराया, और पूरे मैसूर को अच्छे से सजा देते हैं लाइट से। तो एक तरफ से दशहरा बहुत मेन फेस्टिवल है कर्नाटका में और स्पेशली मैसूर के लिए बहुत बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सो फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, थोड़े दोस्त लोग अंदर ही रह गए तो उन लोगों का वेट कर रहे हैं। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद हम लोग अंदर आ गए हैं फूड फेस्टिवल में, मगर उस तरफ पूरा नॉन वेज का काउंटर है, इस तरफ पूरा वेज का काउंटर है और आई डोंट नो हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इस भीड़ के अंदर, किस हिसाब से हम लोग कुछ खाते हैं पीते हैं आपको शायद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस चक्कर में। तो थोड़ा भीड़ भिड़ाके के इलाके से बाहर निकल कर मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सो फाइनली हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खा लिया हम लोगों ने और इतनी भीड़ है इस
चक्कर के अंदर थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, अभी निकलना है इस ट्रैफिक के अंदर, बाहर निकल कर फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, क्या प्लान रहता है।